मैं डायबिटीज़ का एक सिंपल डाइट बताती हूँ आपको। मेरे हिसाब से सिर्फ 10 उंगलियाँ याद रखिए, पहले ये 5 उंगलियाँ। शक्कर नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है। ये 3 चीज़ों से बना हुआ कुछ भी नहीं खाना है, शक्कर, गुड़ और मैदा। नमक कम खाइए, तेल कम खाइए, तेल मतलब तेल, घी, बटर, मस्का चीज़, सब कुछ कम। चावल थोड़ा सा खाना है आपको, 4 चम्मच। आलू का भाजी नहीं खाना है। सलाड में आप सब सलाड खा सकते हैं, सिर्फ बीट और गाजर ज़्यादा नहीं खाना है। जूस नहीं पीना है, बीट का जूस नहीं, गाजर का जूस नहीं, नारियल का पानी नहीं पीना है और कोई भी फल का रस नहीं पीना है। फल चबा के खाएंगे तो चलेगा, फल में आपको सब फल खा सकते हैं, सिर्फ 5 फल आपको कम खाना है। चीकू, सीताफल, अंगूर, आम और केला, ये 5 फ्रूट आपको कम खाना है, बाकी सब खाइए लिमिट में। दूध में गाय का दूध पीजिए, भैंस का दूध नहीं। टोस्ट, खारी, बटर, पाव, ब्रेड, ये सब मैदे की चीज़ें, तो मैदे की चीज़ें नहीं खाना है। मांस, मटन, मच्छी में आप बकरे का मटन मत खाइए, मुर्गी का खाएंगे तो चलेगा लेकिन वो भी कम खाना है। अंडे में पीला नहीं खाना है, सफ़ेद खाएंगे तो चलेगा। मच्छी खाइए लेकिन तला हुआ नहीं खाना है। सो ऐसे बराबर से 5 उंगलियाँ याद रखिए। शक्कर, गुड़ और मैदा नहीं खाना है। नमक कम खाइए, तेल कम खाइए। अभी ये 5 उंगलियाँ, डायबिटीज़ के पेशेंट ने दिन में थोड़ा थोड़ा 5 बार खाना चाहिए, एक टाइम बहुत सारा मत खाइए। सुबह 9 बजे नाश्ता, रात को 9 बजे खाना, इसके बीच में बराबर 1 बजे दोपहर का खाना। देखिए, सुबह का नाश्ता 9 बजे, दोपहर का खाना 1 बजे, इसके बीच में 11 बजे एक फल खाइए या कुछ नाश्ता कीजिए और शाम को 5 बजे थोड़ा कुछ नाश्ता कीजिए। मतलब ये थोड़ा थोड़ा दिन में खाएंगे तो शुगर अप एंड डाउन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसे बराबर से 10 उंगलियाँ याद रखिए तो आपको डायबिटीज़ का डाइट याद रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, चना ले लीजिए, अगर आपको चना खाना है तो चने में शक्कर नहीं है, गुड़ नहीं है, मैदा नहीं है, तेल भी नहीं है और नमक भी नहीं है, तो खा सकते। सपोज़ आपको सिंगदाना खाना है तो सिंगदाने में शक्कर नहीं है, गुड़ नहीं है, मैदा नहीं है, नमक भी नहीं है, पर तेल है ना, सिंगदाने का तेल बनता है, तो नहीं खाना है। सपोज़ आपको पाव खाना है तो पाव में शक्कर नहीं है, गुड़ नहीं है, लेकिन मैदा है, पाव मैदे का बनता है, तो नहीं खाना है। सपोज़ आपको अचार खाना है तो अचार में शक्कर नहीं है, गुड़ नहीं है, मैदा नहीं है, पर तेल बहुत ज़्यादा है और नमक भी बहुत ज़्यादा है, तो नहीं खाना है। सपोज़ आपको पापड़ खाना है तो पापड़ में शक्कर नहीं है, गुड़ नहीं है, मैदा नहीं है, बट नमक बहुत ज़्यादा है, तो नहीं खाना है।